सो गाइस, बहुत दिनों बाद बात हो रही है। होप सो आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है वो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मैंने सोचा कुछ क्रिएटिव सा दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। सो दोस्तों, अगर आपको कैमरा और उसके बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो एंड तक देखें। तो आज का टॉपिक बहुत क्रेजी होने वाला है, जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल में पढ़ लिया था। सो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा कैमरा मूवमेंट टेक्निक्स, जिसमें मैं आपको टॉप 5 कैमरा मूवमेंट टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 में है पैनिंग। पैनिंग में हम कैमरा मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, जो कि बेसिकली सब्जेक्ट को फोकस करके वो मूव करता है लेफ्ट टू राइट। थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स आप देखें, पैन बेसिकली यूज होता है इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए, और पैनिंग बेसिकली एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश करने के लिए भी यूज होती है, या फिर मूवमेंट को फॉलो अप करने के लिए, या फिर फर्स्ट सब्जेक्ट से फोकस स्विच करके सेकंड सब्जेक्ट में लाने के लिए, जैसा कि भी आपने मूवी के क्लिप्स में देखा। चौथा पॉइंट है हमारा पुश इन शॉट, जिसमें बेसिकली कैमरा मूवमेंट होती है स्लोली स्लोली सब्जेक्ट के पास आता है और वो सब्जेक्ट की डिटेलिंग के बारे में बताता है। तो थोड़ा बहुत एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। पुश इन, जैसा कि बाजीराव मूवी में इस सीन में कैमरा पुश इन का यूज़ हुआ है। ये बेसिकली यूज़ होता है क्योंकि जब हमें सब्जेक्ट की इंफॉर्मेटिव बातें सुननी होती है तब इस कैमरा पुश इन का यूज़ किया जाता है। वैसे ही जैसे SRK की कल होना हो मूवी में, जब शाहरुख खान सर जी नैना के लिए कुछ मीठे शब्द बोल रहे थे, तब उस समय पे कैमरा पुश इन का यूज़ किया गया था, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। पुश इन इसलिए यूज होता है ताकि जो सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको अच्छे से आप तक पहुंचा सके, इसलिए पुश इन यूज होता है। तीसरी मूवमेंट है टिल्ट, जिसमें कैमरा हमारा नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है, जो कि रिवील करता है सस्पेंस और कुछ अनसर्टेन पार्ट उसको रिवील करता है। इसको मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल्स के साथ दिखाता हूँ। जैसा कि इस मूवी में कैप्टन अमेरिका को रिवील करने के लिए यूज़ किया गया है टिल्ट मूवमेंट। तो गाइस, दूसरा है मेरा फेवरेट और आपका भी मेबी हो जाएगा, वो है आर्क कैमरा मूवमेंट, जिसमें कैमरा फुल रोटेट करता है सब्जेक्ट के चारों तरफ। कैमरा फुल रोटेट करता है सब्जेक्ट के और जो कि रिवील करता है सब्जेक्ट के पास का सराउंडेंस, कि वो सब्जेक्ट कितना क्रेजी है, कितना पावरफुल है या कितना वीक है, वो सारी चीज़ें वो उस रोटेट में रिवील करता है। ये इफेक्ट बहुत ही क्रेजी होता है। मैं आपको ज़रा एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आर्क मूवमेंट, जैसा कि मैं हूना मूवी में इस सीन में आर्क मूवमेंट का यूज़ हुआ है। ये शॉट बेसिकली सब्जेक्ट को बचाने के लिए लिया गया है एक्शन करते हुए। इसी तरीके से एवेंजर मूवी में सारे सुपर हीरो को रिवील करते हुए उन पर मुसीबत आने वाला संकेत को दिखाया गया है आर्क कैमरा मूवमेंट की तरीके से। तो वैसे ही कुछ जय हो मूवी में हीरो कितना कमज़ोर है और उसके आसपास कितना डेंजर है उसको दिखाते हुए इस मूवमेंट को इस्तेमाल किया गया है। और गाइस, नंबर 1 में है मेरा फेवरेट डॉली जूम इफेक्ट, जो कि बहुत ही क्रेजी इफेक्ट है और इसे वर्टिगो इफेक्ट भी कहते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि वर्टिगो का मतलब क्या है। बेसिकली वर्टिगो एक मूवी है जो कि बहुत ही पुरानी मूवी है, उसमें ये इफेक्ट दिखाया गया था। इस इफेक्ट में बेसिकली ये होता है कि अगर हम कैमरा जूम इन करेंगे देन जो कैमरा होगा वो बैकवर्ड की तरफ जाएगा, और अगर हम कैमरा जूम आउट करेंगे देन जो कैमरा होगा वो इनवर्ड की तरफ जाएगा सब्जेक्ट के। मीन्स कि इस इफेक्ट में आपको कुछ इस तरीके से लगेगा कि आप ये कहोगे कि वाव क्या अमेजिंग इफेक्ट है। मीन्स कि सब्जेक्ट वहीं का वहीं रहेगा और जो बैकग्राउंड है उसमें आपको मूवमेंट दिखेगी, जो कि बहुत ही क्रेजी होती है। मैं आपको ज़रा एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखे मैं, जैसा कि आपने देखा दोस्तों, क्विक एंड द डेथ मूवी में बैकग्राउंड की मूवमेंट कितनी फास्ट है, सब्जेक्ट वहीं पर है। बेसिकली ये सीन एक्शन सीन्स के लिए बनाया गया है या फिर कोई हॉरर सीन है आगे,
या फिर कुछ सस्पेंस वाला पार्ट है, तब इस सीन को बनाया गया। सो गाइज आपको कौन सा इफेक्ट सबसे क्रेजी लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और क्रेजी टिप्स के साथ।